नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप जान रहे हैं छठ महापर्व। पर्व तो आप और हम कई मनाते हैं, पर छठ को महापर्व क्यों कहा गया है? छठ उन लोगों को जिनके घरों में होता है उनको भी ये कार्यक्रम देखना चाहिए, और जिनके घरों में नहीं होता है उनको भी ये कार्यक्रम अवश्य तौर पे देखना चाहिए। छठ से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी और छठ महापर्व करने से क्या लाभ एक इंसान को, एक जातक को मिल पाता है, वो सारा कुछ आज बताएंगे। हमारे साथ आचार्य मुकेश भास्कर शास्त्री पंडित जी हैं। बाबा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो छठ चल रहा है जी, और आप कई लोग कहते हैं कद्दू भात या नहाए खाए, उसकी शुरुआत हो चुकी है जी। तो पहले छठ महापर्व क्यों कहा गया? छठ पर्व आम पर्वों से क्यों अलग है? अलग है, ये बताइए जी। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश भास्कर शास्त्री आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। छठ महापर्व जो है, देखिए, ये छठ आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व कहा गया। जितने भी हमारे सनातन धर्म में आध्यात्मिक तौर पर में धर्म है और उत्सव है और पर्व है, ये सभी एक बंधन में बांध करके रखते हैं। जैसे एक ही धागे में सैकड़ों माले के दाने जो है पिरोए रहता है और एक समूह बना के रखता है, जिससे परिवार में खुशी और उल्लास के साथ जो है जीवन व्यतीत करता है। हमारे जितने भी संत महात्मा या ऋषि मुनि वगैरह हुए, सारे वेद शास्त्रों में इस चीज का वर्णन किए हैं। अब चूंकि ये छठ महापर्व है, ये प्रत्यक्ष पर्व माना गया है। हमारे जो सबसे बड़े आराध्य देवता जो सूर्य नारायण हैं, उनका जैसे सूर्य भगवान अब हैं कौन, तो भगवान नारायण के अंशावतार हैं सूर्य नारायण। ये अदिति के पुत्र हैं, कश्यप के पुत्र माने जाते हैं, इसलिए इनको आदित्याय भी कहते हैं। अब चूंकि सूर्य जो है तीनों लोक, ये लोक नहीं, तीनों लोक, आकाश, पाताल और ये पृथ्वी लोग, तीनों लोगों का आराध्य देव माने गए हैं। अब चूंकि सूर्य, ये जो अभी छठ पर्व जो है, इसमें दो बात प्रधान माना गया है। एक इसको छठी मैया कहते हैं, दूसरा सूर्य नारायण हुए। तो सबसे पहले हम ये जाने जो छठी मैया हैं कौन, छठ पर्व जो कहते हैं। सूर्य की पूजा होती है और छठी मैया, छठी मैया का, बिल्कुल। ये चार दिन का जो है महापर्व माना गया है। पहला दिन नहाय खाय से शुरू होता है। चूंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो जब भी हम कोई आध्यात्मिक कार्य करें या व्रत त्यौहार या साधना करें, तो साधना करते वक्त जो है जितना शुद्ध आहार हम लेंगे, शुद्ध वातावरण को लेंगे, शुद्ध वस्त्र पहनेंगे, शुद्ध वाचन करेंगे, उतने ही उसके प्रति जो है मेरा एनर्जी जो है वो जागृत होगा, हमारे शरीर में संचार होगा ऊर्जा का। तो चूंकि कद्दू को सबसे शुद्ध माना गया है, कद्दू इसको जो है शुद्ध इसलिए माना गया है क्योंकि ये जलीय तत्व है, और जलीय तत्व के साथ जो है इसमें जल तत्व जितने, उसमें बुध और चंद्रमा दोनों का निवास है। यानी कद्दू का यदि आप सेवन करते हैं तो आपका बुद्धि का भी विकास होता है और शरीर में जो है ऊर्जा का भी संचार होता है। ये दोनों के देवता माने गए हैं। तो चूंकि कद्दू जो है धार्मिक दृष्टि और वैज्ञानिक दृष्टि से भी शुद्ध और परम शुद्ध है, इसको फलहार में भी इसका गिनती आता है। दूसरा, चूंकि इसमें चावल का प्रधानता है या रोटी का भी हुआ, तो चावल इसमें जो यूज करते हैं ये भी चंद्रमा का प्रतीक है। ये दोनों आहार जो है जो ग्रहण करेंगे उसको एक तरह से समझिए तो फलाहार में ही गिनती होगा, यानी व्रत ही माना जाएगा, ये साधना ही होगा। कद्दू भात का भी जो सेवन करते हैं ये भी व्रत है, ये सेवन करने के बाद भी व्रत करने के बराबर फल प्राप्त होता है। दूसरे दिन जो है षष्ठी माता, यानी उस दिन जो है आपका खरना से शुरू होता है। तीसरा दिन जो है डूबते हुए सूर्य का अर्घ होता है, और चौथा दिन उगते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाए। ये चार दिन का जो है महापर्व है। महापर्व इसलिए कहा गया है, जितने भी पर्व हैं उसमें इतना साधना नहीं, इतना व्रत नहीं है, इसमें 36 घंटा तक जो भी व्रती होते हैं वो साधना करते हैं, एक भुक्त होकर साधना करते हैं, नियम पूर्वक करते हैं। और ये चूंकि प्रत्यक्ष देवता हैं, यदि आप जितनी इसमें पवित्रता रखेंगे, जितना कठोर व्रत करेंगे, जितना कठोर साधना करेंगे, उतने ही जल्दी तत्फल मिलने वाला है।
और सभी व्रत में क्या है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाने के बाद बर्दाश्त करने की क्षमता है, लेकिन इसमें जो है वो आपका एकदम बिल्कुल क्षम नहीं है। और ये क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसका क्या आधार है? सबसे पहले देखिए, हम आधार की बात कर रहे हैं। छठ महापर्व जो है ये आज का व्रत नहीं है, ये आज का पर्व नहीं है, ये सनातन काल से चलते आ रहा है। आप देखिएगा रामायण काल में भी, आप जब राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था, उस समय अगस्त ऋषि वहां पर में प्रकट होते हैं और भगवान राम से कहते हैं आप सूर्य की आराधना कीजिए, और वहां पर में सूर्य नारायण का आराधना करते हैं भगवान राम, और उसके बाद रावण मारा जाता है। जैसे ही माँ सीता को इस व्रत के बारे में पता चलता है, जब माँ को ये ऐसे ऐसे राम जी बताते हैं अगस्त जी के बारे में, तो मैया सीता भी छठ व्रत की है, ये भी प्रमाणिक आधार है धार्मिक तौर पर। दूसरा, अगस्त ऋषि स्वयं जो है सूर्य के उपासक थे। रामायण काल के महाभारत काल में देखिए, सूर्यपुत्र कर्ण काल लीजिए, कर्ण जो है वो सबसे बड़े आराधक थे, उनके आराध्य देव सूर्य नारायण ही थे, जिसके बल पर में आज सूर्य का जो है पहचान बना हुआ है और बहुत सारे जो है शक्ति वो माने अर्जित किए। तीसरा देखिए, जो उस समय भगवान श्री कृष्ण भी, जब उनको दोष लग गया, चोरी करने का आरोप लग गया, तो उस समय भी वो सूर्य नारायण को ही आराधना किए। अब राजा साम थे, जब साम को नारद जी श्राप दे दिए, जाइए आपको कुष्ठ रोग हो जाएगा, तो जाके रोने भी लगने लगते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, मुझे बताइए इस श्राप से मुक्ति कैसे हो। तो नारद जी क्षणिक तनिक देर रुक जाते हैं और विचार कर कहते हैं एक ही उपाय है। तो क्या उपाय है, बोले सूर्य की आराधना आप कीजिए। तो वहां पर में भी सूर्य नारायण का साम आराधना करते हैं, 12 साल तक साधना करते हैं। इसलिए माना गया है जो लोग व्रत आरंभ करते हैं उसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, किसी कारणवश भी 12 साल तक कम से कम लगातार करें, ऐसे जब तक करते रहें। अगर आपसे नहीं संभले तो किसी को सौंप दें, अथवा आप साधना करें, व्रत कर सकते हैं, दूसरे के हाथों से आप हाथ वगैरह उठवा सकते हैं, लेकिन इसको छोड़े नहीं, ये छोड़ के नहीं किया जाता, लगातार किया जाता है। तो सांब वहाँ 12 साल तक आराधना करते हैं और कुष्ठ रोग से उनको मुक्ति मिलता है। अब देखिए, ये प्रमाणिक आधार दिया गया है। हाँ, जैसे सूर्य को तो साइंस हो, विज्ञान हो, या धरती का हर इंसान अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सूर्य है तब ये सृष्टि है। बिल्कुल बिल्कुल, पेड़ पौधे जीवन सारे सूर्य से ही है। अब सूर्य की उपासना है, लेकिन लोग पहला इसमें डूबते हुए सूर्य को क्यों अर्घ करते हैं? आप देखिए, सबसे पहले षष्ठी मैया पर हम चर्चा कर रहे थे, तो चूंकि षष्ठी माता का जो है वहां पर देवी पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, आदि शक्ति ब्रह्म स्वरूपिणी जो आदि शक्ति हैं वही षष्ठी माता हैं, और ये जितने भी संतान संसार में हैं सारे, चाहे वो मनुष्य ही नहीं, वो पशु और पक्षी के भी जो संतान है, सभी के रक्षक वो माता ही हैं, इसीलिए उनको षष्ठी माता कहा जाता है। जब बच्चा बालक किसी का जन्म होता है या किसी कन्या का जन्म होने के बाद 6 दिन तक जो है साधना किया जाता है और 6ठा दिन उनका पूजा किया जाता है, तो षष्ठी माता का ही पूजा किया जाता है, तो वही षष्ठी माता छठी मैया है। दूसरा जो है, इसको महापर्व इसलिए कहा गया है, जो ये 4 दिन का है, सबसे ज्यादा समय तक लोग भुक्त रहते हैं, इसमें साधना करते हैं, व्रत रहते हैं, और इसमें जो लोग व्रतधारी होते हैं, चाहे वो स्त्री हों या पुरुष हों, उनके शरीर में एक अलग ऊर्जा का संचार होने लगता है, उनके बाक पर में एक तरह समझिए सिद्धि विराजमान रहता है, जो जिसको किसी को कुछ बोलते हैं तो निश्चित तौर पर में जो है उसको सफलता प्राप्त होता है। इसीलिए लोग देखते हैं कई बार की छठ व्रती का पैर छूकर प्रणाम करते बिल्कुल, हैं बिल्कुल, बिल्कुल। या फिर उनका जो जूठन खाते हैं प्रसाद के तौर पे, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिल्कुल। उनका ऊर्जा का भी संचार इनको मिले। बिल्कुल, यहाँ तक जो शयन भी है, जो उनका अलग जो है सो बेड वगैरह लग जाता है, कुशाग्र वगैरह, या मान लीजिए जो वहां पर व्यवस्था हो, एक अलग बेड जिस पर सभी लोग जा नहीं सकते हैं पवित्रता के लिए, क्योंकि पवित्रता रहे। हाँ, एक चीज और भी, हम सभी जितने भी व्रतधारी हैं उनसे हम विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, जब भी आप व्रत करते रहते हैं उस समय किसी को खराब वाक्य नहीं बोलें, क्योंकि आपके जिह्वा पर उस समय साधना रहती है, भगवान नारायण का ऊर्जा रहता है, वहां पर सूर्य नारायण का ऊर्जा होता है, उनका तेज आपके शरीर में समाहित रहता है, जिसके चलते आप किसी को गड़बड़ कहिएगा तो वो भी हो सकता है, और किसी को अच्छा कहिएगा वो भी कह सकते हैं, तो किसी को खराब नहीं कहना चाहिए उस समय, ये व्रति धारण मतलब विचार करते रहें और ध्यान रखें। दूसरा जो, अब उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को
जैसे पहला दिन तो आपको नहाय खाए से शुरू होता है, दूसरा दिन खरना होता है, खरना में भी उस समय जो हम लोग खीर पूरी या खीर रोटी वगैरह बनाते हैं, केला वगैरह चढ़ाते हैं, मक्खन वगैरह चढ़ाते हैं, ये सारे जो हैं वहाँ पर सूर्य और छठी मैया की आराधना किया जाता है। वहाँ पर में एक भुक्त होता है, सिर्फ उसी समय वो व्रती जो हैं अपना जो खाना है खाएंगे। उसमें भी क्या नियम है भोजन में, यदि कंकर पत्थर आ जाए तो उसी समय छोड़ दीजिए, कहीं से आवाज आ गया तो उसको छोड़ दीजिए, कहीं खटपट की आवाज, यानी श्रवण हो जाए एकदम शांत एकांत वातावरण में, शुद्ध वातावरण में भगवान का ध्यान करके, और वहां पर में ये करना चाहिए आराधना, यानी उस समय भोजन करना चाहिए। उसके बाद जब वो फिर व्रत को आगे बढ़ाते हैं तो जब तक सुबह का अर्घ नहीं पड़ जाता है तब तक वो व्रत में रहते हैं। तो उगते हुए या डूबते हुए सूर्य, उगते हुए जो हम लोग अर्घ जो देते हैं वो आपका दिया जाता है खष्ठी का, खष्ठी को उगते हुए हम सूर्य को अर्घ देते हैं, और सप्तमी को जो है सो उगते हुए और खष्ठी को डूबते हुए देते हैं। डूबते हुए अर्घ दिया जाता है पश्चिम दिशा में, चूंकि पश्चिम जो है दो तरह का होता है, एक उदयाचल होता है, उदयाचल माने उदय जैसे हुआ, तो उदय समय जो आप कर रहे हैं और डूबते हुए जो दे रहे हैं, इसमें दोनों का विशेषता ये क्या है, अब इसमें क्या क्या हम दें, तो सबसे पहले ऋतु के अनुसार जो भी फल फूल हो वो एकत्रित करके आप दे सकते हैं, उपलब्ध हो जाए घर में भी नाना प्रकार के पकवान बना सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कोई ठकुआ कहते हैं, कोई टिकरी कहते हैं, पिराकी कहते हैं, सारे चीज़ बनाते हैं घर में, और पुत्र की कामना के लिए, संतान नहीं हो रहा है उसके लिए कामना के लिए हम प्रसाद चढ़ाते हैं, अथवा संतान हो गया तो उसकी आरोग्यता के लिए कल हम लोग साधना करते हैं, और आरोग्यता के लिए हम लोग जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं जो उनको आरोग्यता हो जाएगा हम ये प्रसाद चढ़ाएंगे, अथवा सौभाग्यवती होने के लिए हम ये करते हैं। तो ये सारे चीज में जो हम संकल्प करते हैं वो वस्तु को चढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ा चढ़ाता है, कोई लड्डू चढ़ाता है, कोई मिश्री वगैरह का जो है, नाना प्रकार के जितने प्रसाद हैं मिष्टादि हैं वो सारे वहाँ पर अर्पित किया जाता है। इसमें सूप में लेके किया जाता है, सूप चूंकि बांस सबसे ज़्यादा शुद्ध कहा गया और बांस से वंश का वृद्धि का प्रतीक है। देखिए ये जो लोक आस्था का जो छठ पर्व है इसका सबसे बड़ा विशेषता ये है, जो संतान प्राप्ति करने के उद्देश्य से महिलाएं जो हैं, स्त्री जो हैं, ये पूजा करती हैं, आराधना करती हैं, और मेरा संतान जो है दीर्घायु हो, पति दीर्घायु हो। तो चूंकि बांस का संबंध जो है वंश वृद्धि से भी है, इसलिए बांस की और वो शुद्ध माना गया है, इसलिए बांस का वस्तु का प्रयोग किया जाता है। आजकल तो लोग पीतल के तांबा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन शुद्धता बांस में ही माना गया है। और शाम के समय हम लोग जो करते हैं डूबते हुए सूर्य को जो अर्घ देते हैं, उस समय जो आराधना किया जाता है उसका एक दो रूप होता है। पहला रूप क्या है, हमारे शास्त्र में मनुस्मृति में भी कहा गया है, उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को देखना प्रणाम करना दोषकारक है, मनुस्मृति में कहा गया। लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम उनको फल लेके अर्घ देते हुए नाना प्रकार के पकवानी के साथ जो हम अर्घ देते हैं और उनको प्रणाम करते हैं तो दोषकारक नहीं है। जैसे कि आप लोग भादव मास के शुक्ल पक्ष जो है चतुर्थी होता है, उस दिन गणेश चतुर्थी का पूजा किया जाता है, उस समय भगवान चंद्रदेव को देखना दोषकारक है, आपका चोरी करने का दोष लग जाता है। लेकिन यदि फल लेकर अगर उनको दर्शन करते हैं तो फिर ये दोष समाप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण को भी ये दोष लग गया था, बालकपन में वो चोर चंद्र जी को देख लिए थे जिसके चलते उनको झेलना पड़ा, तो उस समय फल लेके देखने में दोष नहीं है। तो इसीलिए आप उनको अर्घ देते हुए नाना प्रकार के पकवानी को देते हुए अर्घ देते हैं तो वो दोषकारक नहीं होता। अर्घ देने का आप तीन मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इनका प्रमुख जो मंत्र है, पहला मंत्र है ओम आ कृष्णेन रजसा वर्धवान निवेशयन्नम मर्तंच हिरणेन सविता रथेन देव याते भुवनानि पश्यन। इस मंत्र से तीन बार अर्घ दिया जाता है, तो या तो इसी मंत्र से तीन बार अर्घ दे दीजिए, या जपा कुसुम संकासम काश्यपेय माधुन, दूसरा मंत्र को पूरा करके इनसे भी अर्घ दे सकते हैं। तीसरा ओम एही सूर्य संत्रांसु, इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये तीनों में से कोई मंत्र नहीं आया तो उस स्थिति में आवादित्याय नमः, प्रभाकराय नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, दिनकराय नमः, इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्घ देने में अगर कच्चा गाय का दूध हो, खास करके वह गाय जिसका बच्चा हो, बच्चा और उसमें भी बाछी लोग खोजते हैं कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बत्सा जो है इसमें बाछी को कहा गया है, बाछी सहित यानी जिसका जिस गाय का बच्चा बाछी हो उस गाय के दूध से यदि आप अर्घ देते हैं तो सोने में सुहागा कहा गया। लेकिन यदि दूध नहीं हो तो जल से ही कर सकते हैं,
जल से ही, गंगा जल से, या जिस तालाब में और जिस नदी में, नदी संगम में या गंगा जी में आप खड़े हैं, उनका आराधना कर रहे हैं, उसी जल से भी आप अर्घ्य दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर में जो है सो उत्तम और सर्वोत्तम माना गया। एक चीज और देख ध्यान देने योग्य बात है, व्रतधारी जब भी जो है आप जल में खड़े होते हैं तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए, ऐसे तो वहाँ का जो विधि व्यवस्था है उसके हिसाब से उसका उपयोग करें, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन साधना के तौर पर यदि नाभि से ऊपर तक जल रहे तो सर्वोत्तम माना गया है। यानी आप जो जल में खड़े हों तो नाभि आपका जल के नीचे तक हो। कर्ण के बारे में भी कहा जाता है कि वो सीने तक, बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्रतिदिन एक घंटा। आपका हृदय स्थल जो है और नाभि स्थल, इसका बड़ी जो है मार्मिक रहस्य माना गया है। तो कम से कम नाभि आपका जल में डूबा हो, नाभि से ऊपर जल हो तो ये उत्तम माना गया है जल में खड़े होने के बाद। और उसके बाद सुबह का अर्घ जब देते हैं तो चूंकि रात्रि में जब संध्या काल में आप अर्घ देते हैं तो बहुत सारे व्रतधारी क्या करते हैं, जो भी पकवान उनको चढ़ाते हैं संध्या काल में उसको बदल देते हैं, रात में फिर पुनः नया दिया जाता है, और नया दिल के फिर जो है नया देने के बाद वो नया से लेके प्रातः काल को जो है सो आप अर्घ देते हैं। ये दोनों ही सुबह और संध्या काल का जो है अर्घ और उनको चढ़ाना यानी उनको अर्पित जो कर रहे हैं, ये अमोघ शक्तिदायक है, इसका वर्णन नहीं हो सकता है। नाना प्रकार के कुष्ठ आदि रोग हैं, क्षय रोग हैं, मिर्गी है, बीपी संबंधी है, शुगर संबंधी परेशानी है, टीबी संबंधी परेशानी है, इस व्रत की आराधना से वो स्वतः ठीक हो गया। आंख के लिए तो रामबाण माना गया है, क्योंकि हम लोगों को माना गया है जो चंद्रमा मनसो जाता है, यानी मन किसी का बिजली हो, मन गर्भ हो तो चंद्रमा की आराधना करें। जैसे पहले दिन हम सूर्य ग्रह विशेषांक में चर्चा किए थे तो उसमें बताया जो चंद्रमा जो है वो शरीर का पार्ट जो है, मन जो है वो शरीर का पार्ट नहीं है, मन चंद्रमा का पार्ट है। यदि मन गड़बड़ हो तो इसका मतलब आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ हो, उस पर हम चर्चा किए थे ग्रह विशेषांक में। ठीक उसी प्रकार जो है यदि आंख संबंधी परेशानी हो, सिर यदि भारी रहो, धड़कन यदि तेज हो, निश्चित तौर पर आपका सूर्य का गड़बड़ी होता है। और ये पर्व में यदि आप पवित्र भाव से, आस्था से, विश्वास से और समर्पण भाव से यदि आप आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पर में आंख संबंधी पीड़ा, बीपी संबंधी पीड़ा, सिर भारी रहना, ये सब पर बहुत प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसको महापर्व भी कहा गया है और इसमें पंडितों का जरूरत भी नहीं है, छठ व्रती स्वयं ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें यदि ब्राह्मण देवता उपलब्ध हैं तो सुनाम सुहागा उनको बुलाकर अभिमंत्रित बुला लीजिए, बुलाकर अर्घ दिलवा सकते हैं। लेकिन अब ये छठ पर्व जो है हिंदुस्तान में नहीं, पहले ये बिहार और यूपी झारखंड तक सीमित था, अब धीरे धीरे यूपी बिहार झारखंड ही नहीं, अपने देश के कोने कोने में, चाहे बम्बई हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, जहां तहां हो, और वही नहीं विदेश तक चले जाइए, नेपाल में, आपको अमेरिका तक, हर जगह जो है आस्था का महापर्व जो है लोग मनाते हैं और भक्ति पूर्वक समर्पण भाव से ये करते हैं, वहां तक होता है। यानी ये देश तक ही सीमित नहीं रहा, अब ये हमको लगता है विश्व का महापर्व है, और धीरे धीरे ऐसा नहीं कि हिंदू तक भी नहीं, बहुत सारे ऐसे सुनने में आया जो हिंदू राजे भाई जो भी हैं वो लोग भी जो है इसका साधना करते हैं, क्योंकि वो देखे जो सूर्य की आराधना करने से किस प्रकार जो है नाना प्रकार का परेशानी उसका ठीक हो रहा। तो निश्चित तौर पर ये जो पर्व है ये आस्था विश्वास समर्पण के साथ साथ ये महापर्व इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आपके हर एक जीव के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए ये जो है आराध्य देव सूर्य नारायण जो है उनका पर्व और माना गया है, जो एक साल में कहीं कहीं दो जगह होता है, जैसे बिहार में आप देखिएगा लगभग क्षेत्र में दो बार होता है, एक चैत्र शुक्ल पक्ष में होता है, दूसरा कार्तिक शुक्ल पक्ष में होता है, दीपावली से छः दिन के बाद जो है छठ होता है, जिस दिन दीपावली पड़ेगा उसी दिन आपको प्रातःकाली जो अर्घ है उसी दिन, नियम बना हुआ है, यदि सोमवार को दीपावली है तो सोमवार को ही प्रातःकाली अर्घ होगा, छः दिन के बाद छठ माना गया। और ये छः दिन की क्रिया को खष्ठी, और ये सबसे बड़े जो है हमारे जो समाज में व्रतधारी जो व्रत करते हैं उनका मेन लक्ष्य दो होता है, एक तो उनके जो संतान हैं उस पर किसी प्रकार का बाधा नहीं हो, किसी प्रकार को परेशानी ना हो, किसी प्रकार का पीड़ा नहीं हो, इसलिए वो आराधना कर रहे हैं। दूसरा जो उनके जो पति देव हैं उनके साथ आरोग्यता हो, कोई घटना दुर्घटना ना हो, किसी प्रकार का असाध्य रोग नहीं हो, यदि जन्म कुंडली में असाध्य कोई ग्रह आदि है उसके समानार्थ
अथवा यहां तक जो यदि पितृ दोष भी लगा हो और अगर ये छठ का आप व्रत करते हैं और इसमें साधना करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे तो कई दर्शक हैं हमारे जिनके घर में छठ होता है, ऐसे भी कई दर्शक हैं जो छठ के बारे में नहीं जानते या उनके पूर्वज ये छठ करते नहीं आ रहे जी। तो अगर उनकी मन में इच्छा हो छठ करने की जी, तो उनको क्या ध्यान देना चाहिए या फिर उनको छठ क्यों करना चाहिए जी। देखिए सबसे पहली बात क्या है, आजकल हमारे समाज में क्या देखिएगा, जो कोई भी व्रत है जैसे वो छठ हो या दीपावली हो या दुर्गा पूजा हो, इसके अलावा और जो भी पर्व हैं, उस दिन यदि उनके घर में किसी प्रकार का घटना दुर्घटना अथवा किसी प्रकार का मान लीजिए कोई डेट कर जाता है अथवा कोई बच्चा वगैरह संबंधी कोई परेशानी हो गया, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये खोट आ जाता है। एक तो दो प्रकार का, एक ये जो हम लगता है व्रत में कोई मतलब टूटी हुआ होगा या साधना में कोई कमी हो गई या हमसे कोई अपराध हो गया होगा जिसके चलते ये घटना ये दुर्घटना हुआ। दूसरा ये लगता है नहीं हमारे लिए ठीक नहीं है, तो जब उनके घर में कोई एक्सपायर कर जाता है या कोई संतान संबंधी दिक्कत हो जाता है या कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, उस स्थिति में वो छोड़ देते हैं। अगले वर्ष होता है जो नहीं एक साल नहीं करना है, धीरे धीरे होता है जो मेरे यहाँ छठ होता ही नहीं। लेकिन देखिए इसका संबंध इससे नहीं है, अगर आपका इच्छा जो आप करें तो आप ऐसे नहीं उठा सकते हैं। जो आदमी छोड़ दिए हैं वो ऐसे नहीं उठाना, जो लोग व्रत कर रहे हैं उनसे एक बार परामर्श लें जो हम किस प्रकार जो है फिर से छठ शुरू करें, तो उनके साथ वह भी पहले 5 साल तक जो कम से कम साधना करते हैं, उसमें वो हाथ उठाने का अधिकारी नहीं होते हैं, वो सिर्फ जल में खड़े रहते हैं। जिस प्रकार छठधारी हाथ उठाने वाले व्रतधारी व्रत करते हैं उसी तरह वो भी साधना करती हैं, वो भी 36 घंटा तक व्रत में रहती हैं, और उसके बाद जब 5 साल हो जाता है उस समय व्रतधारी घाट पर नहीं वो सूप जो है उठा करके दे देते हैं, कहते हैं आप ग्रहण कर लो, उसके बाद उस दिन से वो जो है व्रत के उत्तराधिकारी हो जाते हैं, उस समय से वो छठ के महापर्व जो है वो आरंभ करती हैं। तो इसका संबंध ये है कि घटना दुर्घटना के कारण लोगों को जो है आस्था में ठेस लग जाता है अथवा होता जी मेरे घर में नहीं चलता है, ये नहीं है, ये माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो ये सभी लोग कर सकते हैं, और सभी के आराध्य देवता जो हैं सूर्य देव हैं। एक तो सूर्य देव हुए और एक सूर्य ग्रह, बिल्कुल दोनों का अंतर क्या है, दोनों को पूजने का क्या तरीका भी अलग है और दोनों का क्या लाभ अलग अलग है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें एक वैज्ञानिक तरीका है, एक वैज्ञानिक विवेचन है, दूसरा आध्यात्मिक विवेचन है। तो धार्मिक आध्यात्मिक जो विवेचन है उसके मुताबिक जो है सूर्य देवता आदिति के पुत्र हैं, कश्यप के पुत्र माने जाते हैं, अब उनके गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, अब वो अपने देखिए व्यक्ति कर्म करेगा तो उनको तो सफलता मिलेगी, उत्तम लोक तो स्थान होगा, कर्म के बल पर में जो आदमी इंद्र लोक तक जा सकता है, हम उस दिन बताए थे ब्रह्म लोक तक जा सकता है, ब्रह्मा के स्थान को प्राप्त कर सकता है, इंद्र का स्थान को प्राप्त कर सकता है कर्म के द्वारा। तो जो श्रेष्ठ कर्म करेगा तो श्रेष्ठवान होगा ही, वो श्रेष्ठ कर्म करते करे वो वहां तक पहुंचे, पहला ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या माना गया है जो कि आपका वैज्ञानिक तौर पर में सूर्य नारायण को ग्रह माना गया। आप देखिएगा उस दिन जैसे हम लोग ग्रह विशेषांक में बताए थे, जो पहले समय में तो हम यह पढ़ते थे जो सूर्य अपने स्थान पर बिल्कुल स्थिर है, सूर्य दादा है, जैसे एक परिवार में दादा का एक परिवार का रूप हम दे रहे हैं ग्रह को, सूर्य दादा है और दादा क्या करते हैं वो बिल्कुल कुर्सी चेयर पर बैठे रहते हैं और बैठ करके सारे लोगों पर में जो है उनका शासन चलता है और सभी को कहते रहते हैं तुम ये काम करो तुम ये काम करो तुम ये काम करो, सारे लोग घूमते रहते हैं इर्द गिर्द। तो सूर्य स्थिर है, सूर्य को परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा, सूर्य का परिक्रमा कर रहा है मंगल, सूर्य का परिक्रमा कर रहा है बृहस्पति, सूर्य का परिक्रमा कर रहा है शनि, सूर्य का परिक्रमा कर रहा है बुध, सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, सूर्य स्थिर है और चूंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो सभी को घुमा रहा है, सबसे ज्यादा पावरफुल गुरुत्वाकर्षण जो है सूर्य में है। लेकिन बाद में चल के हम लोग पढ़े जो मिल्की का परिक्रमा सूर्य कर रहा है, वह जो आपका जिसको काला आकाशगंगा जो होते हैं उसमें एक ब्लैक हॉल है, ब्लैक हॉल की इर्द गिर्द जो है वो परिक्रमा कर रहा है और सूर्य का सारे ग्रह जो है परिक्रमा कर रहे हैं। तो
तो ये तो नवग्रह मंडल जो है, ग्रह का मंडल है, उसमें वैज्ञानिक तौर पर इसका जो है विवेचन किया गया है और उसी से ऊर्जा निकलता है। किसी भी ग्रह के पास अपना कोई लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, वो सारे सूर्य के लाइट से प्रकाशित हो रहे हैं। एक चीज और बता रहे हैं, चूंकि छठ महापर्व से हम लोग वैज्ञानिक तौर पर में गए तो उस पर एक अलग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सूर्य से जितने रोशनी निकलते हैं उससे जो ऊष्मा निकलता है, लाइट यानी एनर्जी यानी प्रकाश, प्रकाश जो निकलता है वह प्रकाश अगर पूर्ण रूपेण पृथ्वी पर आ जाए, हम लोग जानते हैं, कहते हैं जो सूर्य से आप पृथ्वी पर में प्रकाश आने में 8 मिनट लगभग लगता है। अब हम बताते हैं, आप देखिएगा, जैसे अभी कहते हैं जो कैसे वायुमंडल का परिवर्तन हो गया, ठंडा के महीना में गर्मी होने लगा, गर्मी के महीना में ठंडा होने लगा, बरसात होना चाहिए जिस समय उससे एक आध दो महीना आगे पीछे होने लगा, मौसम का परिवर्तन हो गया। देखिए, एक वैज्ञानिक रिसर्च भी है इस चीज में, क्या है, पृथ्वी जो है अपने धुरी पर में घूमती रहती है, वो चक्कर काटती रहता है। आप देखिएगा, हमेशा जब वो चक्कर देता है तो हमेशा एक स्थिति में नहीं रहता है, वो धीरे धीरे करके लट्टों के भांति जब घूमता है तो देखिएगा अंत में जब वेग कम हो जाता है लट्टों का तो झूमने लगेगा चारों ओर से, वो झूमने लगेगा, कभी यहां झुकेगा, कभी यहां झुकेगा, कभी यहां झुकेगा, कभी यहां झुकेगा। तो 12,000 वर्ष के बाद जो है वो अपने अक्ष से थोड़ा सा झुकता है, जैसे ही वो झुकेगा जहां वहां पर ठंडा ज्यादा होने लगेगा, जहां पर थोड़ा सा उठेगा वहां गर्मी ज्यादा होने लगेगा, वो झूमते रहता है। तो चूंकि 12,000 वर्ष के बाद जो है वो झूमते रहता है, जहां झुक जाता है तो अभी देखिएगा जहां पर में गर्मी था वहां पर में मान लीजिए सभ्यता का विकास हुआ, वहां पर बर्फ जम गया, वहां से लोग पलायन कर गए, फिर जहां पर मैं गर्मी पड़ रहा था जहां पर बर्फ नहीं था वहां पर विकास हुआ सभ्यता का, अब फिर वो उतने 12,000 वर्ष के बाद फिर वहां पर मैं जो है अब झुक गया तो फिर वहां ठंडा हो गया, जहां झुकेगा वहां पर ठंडा हो जाएगा, जहां ऊपर होगा वहां पर गर्मी होने लगेगा, तो वो स्थिति बरकरार होता है। तो निश्चित तौर पर ये बरकरार रहेगी ही, ये जो मौसम का परिवर्तन है वो बिल्कुल वैज्ञानिक घटना है। ये दूसरा बात, उसमें जो एनर्जी जो निकलता है, तो देखिएगा जब सूर्य भी परिक्रमा कर रहा घूमता है तो उससे वर्ष में एक बार या बराबर उससे लाइट जो है रिफ्लेक्स होता है, जो ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर नहीं जाता है, ऊपर की ओर भागता है, और ऊपर की ओर जो उसका एनर्जी जो जाता है उसमें खरबों फारेनहाइट एनर्जी है। अगर उसका अगर एक भाग भी पृथ्वी पर गिर जाए तो समझिए पूरे पेड़ पौधा मानव सभ्यता ही समाप्त हो जाएगा। तो क्या होता है, अब एक वैज्ञानिक रिसर्च बता जो रहस्यात्मक है, जब वो लाइट वापस आता है उसका एनर्जी, तो एनर्जी वापस आता है तो सबसे पहले उसका प्रकाश चंद्रमा खींच लेता है, बृहस्पति खींच लेता है, शनि खींच लेता है, बुध ले लेता है, बृहस्पति ले लेता है, सारे ग्रह उसी लाइट से अपने आप को खींच के ऑब्जर्व करके और वो रिफ्लेक्ट करता है, किसी के पास अपना प्रकाश कुछ नहीं, सारे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। उसके बाद जो एनर्जी मिलता है यानी बचता है प्रकाश, वो फिर नीचे की ओर गिरने लगता है। जब नीचे की ओर गिरने लगता है तो उसका 80% से भी 99% भाग जो है वो पुनः सूर्य अपने में अब्जॉर्ब कर लेती है अपने में। यह जो है इसका स्पीचिंग जो है हम देहरादून में भी दिए थे, बिष्टुपुर में भी इसका स्पीचिंग दिए, यह रचनात्मक बात का मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश भास्कर जो है MK म्यूजिक, उस पर भी इसका विस्तार पूर्वक दिए हुए हैं। तो अपने आप में वह एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद भी जो 1% वहां से जो छिटक जाता है वो अगर पृथ्वी पर गिरे तो भी मानव सभ्यता समाप्त, पूरे जल सूख जाएगा, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, पूरे पेड़ पौधा समाप्त हो जाएगा। तो क्या होता है, उसको रोक लेता है ओजोन परत, 99% ओजोन परत उसको रोक लेता है। ओजोन परत से 1% जो नीचे गिरता है वो भी अगर पूरा गिरे तो भी मानव सभ्यता समाप्त। देखिए क्या इसका रिसर्च है। तो क्या होता है, वह जब आकाश से नीचे गिरता है तो कुछ तो खुला जगह को ऑब्जर्व कर लेता है, जो आकाश धूल कण से बना हुआ है। अब जब देखिएगा हमारी आंख उस चीज को नहीं देख पाएगा, लेकिन प्रातः काल जैसे सूर्योदय होता है उस समय आप देखिएगा तो पूरा धूल कण दिखाई देगा आपको, या रात में जब गाड़ी चला रहे हैं तो सामने में धूल कण दिखाई देगा, तो वह उसको खींच लेता है, इसीलिए अब देखिएगा वो भी प्रकाशित हो जाता है। और वह भी यदि सॉलिड पृथ्वी पर गिर जाए तो भी मानव सभ्यता का स्थिति जो है एकदम चरमरा जाएगा। तो उसका जो है 99% जो है पूरे पृथ्वी जो है
पृथ्वी पर जो जल क्षेत्र है, जो समुद्र देवता हैं, वो सोख लेते हैं, वो जल खींच लेता है उसका एनर्जी जो है। इसीलिए हमारे पृथ्वी पर में तीन हिस्सा जो है जल ही है। अगर जल ना रहे तो मानव सृष्टि की परिकल्पना नहीं किया जा सकता है। उसका एनर्जी को जल खींच लेता है और 1% का जो भाग है वो पेड़ पौधा खींच लेता है। अगर पेड़ पौधा नहीं हो तो मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगा। वही सूर्य का एनर्जी को वो खींच लेता है, जिसके चलते हम लोग सुरक्षित हैं और बचे हुए हैं। तो इसीलिए पेड़ पौधा लगाना जरूरी है। इसलिए वैज्ञानिक एक कारण है कि यदि पेड़ पौधा नहीं होगा तो मानव की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वह 1% के हजारवां हिस्सा आता है तो इतना भीषण गर्मी होने लगता है, जो लोग त्राहिमाम करने लगते हैं, जल सूख जाता है, पेड़ पौधा मुरझाने लगते हैं, पशु पक्षी त्राहिमाम हो जाते हैं। तो ये ग्रह का प्रक्रिया आपको बताया जाए किस प्रकार ये होता है। इसीलिए ओजोन परत को बनना चाहिए और उसको बनाने में हमारे समाज का सहयोग होना चाहिए। अब क्या सहयोग होगा? तो ओजोन परत बनाने में सबसे ज़्यादा तुलसी का पौधा लगाएं। हमारे समाज में, हमारे आध्यात्मिक में, वेद पुराने उपनिषद में, शास्त्र में, महाभारत रामायण में इस चीज़ का जो चर्चा किया गया है, यही उद्देश्य था तुलसी करने का। तुलसी से जो उसका जो हवा निकलता है, उसका जो रे निकलता है, उसका जो प्रकाश निकलता है, उससे जो सुगंध निकलता है, उसी से ओजोन परत बनता है, उसी के हवा से। यानी जितना हम तुलसी लगाएंगे अधिक, उतना ओजोन परत ज़्यादा बनेगा, और जितना ओजोन परत ज़्यादा बनेगा उतना ही हम ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हमारे समाज में प्रत्येक जगह तुलसी होना चाहिए और तुलसी का पेड़ लगाएं। ये तो आपको वैज्ञानिक घटना हम बताएं। अब आध्यात्मिक घटना पर बताते हैं, जो अब जैसे सूर्य देवता हैं। तो अभी बताया जी, भगवान नारायण अर्जुन से कहते हैं, जो तुमसे पहले हम सूर्य को बताए थे ये रहस्य जो है, तो उनको आश्चर्य लगता है जो भगवान कृष्ण अभी हैं और सूर्य देवता तो अनंत काल से हैं, तो फिर उनको जो है कैसे पता चला। तो आप इसमें क्या है, जो आप लोग जैसे अभी जानते हैं एक सूर्य है, वैज्ञानिक तौर पर मानेंगे तो जैसे मेरा पृथ्वी है, बहुत सारी पृथ्वी है, अनेकों सूर्य हैं, अनेकों चंद्रमा है। हमारे पृथ्वी पर एक चंद्रमा है और कई कई पृथ्वी पर एक दो नहीं, पांच पांच, दस दस, पंद्रह पंद्रह चंद्रमा है, और सारे चंद्रमा हमसे बड़े हैं, हमारे पृथ्वी से और पृथ्वी से बड़े बड़े हैं। ये नासा ने रिसर्च किया है, इसको देखा है रिसर्च करके, उसका हम बता रहे हैं बात। अब चूंकि यहां पर में हम लोग एक सूर्य की आराधना कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र के मुताबिक 12 सूर्य हैं, सूर्य 12 हैं। उनका नाम दिया गया आदित्य प्रथमम नाम, द्वितीयम तो दिवाकर, तृतीयंग भास्कर प्रोक्तम। 12 सूर्य बिल्कुल होता है, बिल्कुल 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 12 सूर्य जो है, ये सूर्य का स्वरूप जो है 12 रूप से है, उसमें अनेक तरह का विवेचन दिया गया है। एक बार उसको रविवार बोलते हैं, रविवार की पूजा कर रहे हैं, और ये जो मंथली जो छठ का आप जानते हैं, देखिए सूर्य हमारे आराध्य देव कैसे हैं, हमारे लिए जो है सूर्य के बिना हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं जीवन का। क्यों? अब आप बताते हैं, हमारे शरीर के अंदर में जब आप जाइएगा तो इसमें देखिएगा बहुत ऐसे पार्ट हैं जिसका अलग अलग कलर है। जैसे ब्लड का कलर कैसा है? लाल है। यूरिन का कलर कैसे है? हार्ट है, किडनी है, सबका अलग अलग कलर देखिएगा। और आप जानते हैं जो सूर्य से भी 7 तरह का रे निकलता है, जिसको हम लोग पढ़ते थे बैनी आ पिनाला, और अभी तो इंग्लिश में उसको भिप्रो ऐसे करके कुछ कहते हैं। और चूंकि हम लोग संस्कृत के स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, इसलिए संस्कृत संबंधी और हिंदी संबंधी ज़्यादा ये करते थे। तो लेकिन हम लोगों का हिंदी मजबूत है, हिंदी में जो शुद्धता और लिखना और पढ़ना दोनों, क्योंकि आने वाला जो समय है हमको आश्चर्य लग रहा है, जिस प्रकार कुछ समय पहले इंग्लिश में लोगों को दिक्कत हो रहा था, आने वाला भविष्य में जिस प्रकार इंग्लिश का बढ़ावा हो रहा है, जो हिंदी में लोगों को दिक्कत होगा, हिंदी शुद्ध से लिखना पढ़ना में बहुत दिक्कत होगा। यदि मान लीजिए कम से कम 1000 शब्द लिखे तो उसमें 10 गो अशुद्धि हो जाएगा। इस प्रकार जिस प्रकार जो है अभी देख रहे हैं हिंदी की स्थिति, तो अब ये जानना तो चाहते हैं बाबा कि जैसे कि सूर्य की उपासना तो हो गया कि छठ व्रत से करें, जो नहीं भी कर रहे हैं उनको भी आपने बताया कि अगर आप रोग से त्रस्त हैं या घर में सुख शांति चाहते हैं, आरोग्यता चाहते हैं, तो आप ये करें। लेकिन जो लोग करते आ रहे हैं उनको 100% भी किसी को पता नहीं तरीका, बिल्कुल बिल्कुल, उससे बेहतर लाभ कैसे ले सके, उसके बारे में बताइए, उसको क्या ध्यान देना चाहिए। देखिए जो भी व्रती हैं, सबसे पहले तो वो ये ध्यान रखें, जैसे ही हम आराधना कर रहे हैं छठ पर्व का, तो सूर्य उदय के बाद तक शयन न करें,
इस चीज का विशेष ख्याल रखें। इसीलिए आप देखिएगा जो प्रातःकालीन जो अर्घ होता है उसमें सूर्यास्त पहले हम लोग जल में चले जाते हैं। ये क्रिया सिर्फ छठ के लिए नहीं है, हमारे शास्त्रों में कहा गया ये क्रिया सब दिन के लिए है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया सूर्योदय से पहले उठना और स्नान करना। यदि सूर्योदय से पहले आप उठ के स्नान यदि कीजिएगा, अभी जो बीपी वगैरह का परेशानी जो देख रहे हैं, ब्लड संबंधी जो परेशानी देख रहे हैं, इसका मेन कारण वही है। यदि सूर्य उदय के बाद यदि मान लीजिए गर्म वस्तु पर यदि जल डालते हैं तो उससे जो निकलता है धुआं ही निकलता है। अग्नि यदि जल रहा है उस पर यदि जल डालते हैं तो क्या होता है, धुआं निकलता है। तो ठीक उसी प्रकार स्नान का क्रिया जो है सूर्योदय से पहले होना चाहिए। तो व्रती वगैरह इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें जो सूर्योदय के बाद तक हालांकि व्रत में रहते हैं, साधना में रहते हैं, तो शरीर लाचार हो जाता है, परेशानी पीड़ा शरीर में होने लगता है, ये हम समझ रहे हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। लेकिन वो सूर्योदय से पहले उठे तो ज़्यादा बढ़िया, इस चीज़ का ध्यान रखें। जितने भी फल फ्रूट वगैरह जो चढ़ाते हैं उनको उसमें शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। एक बाल्टीन शुद्ध पात्र में जल भरें और उस जल में गंगा जल डाल के और तब जितना वस्तु है जो फल फूल है उसको धोएं, या बांस का जो आप लोग ये टोकरी जो बनाते हैं या सूप है उसको भी विधिवत शुद्ध रूप से धोएं। और धोएं तो आजकल बहुत सारे चप्पल पहन के नहीं, चप्पल वगैरह नहीं पहनना चाहिए उस समय जो है, बिल्कुल अपने भी शुद्धता पहले अपने खुद स्नान कर लें, स्नान करके और शुद्ध वस्त्र को पहन लें उसके बाद धोएं, और उसके बाद एकांत जगह रख दें जहाँ पर मैं कुत्ता बिल्ली वगैरह स्पर्श ना करें। आजकल तो देखते हैं ज़्यादातर घर में कुत्ता लोग पालने लगा है, भले हमारे लिए तो मित्र के समान है, हमारे लिए जो मान लीजिए वो एक गार्ड के समान है, और लेकिन वास्तविकता जो हमारा शास्त्र कह रहा है उसके उसका भी पालन करना चाहिए। तो उसको लोग एकांत जगह रखें जहाँ उसके पहुँच से दूर हो। दूसरा बात क्या है, जब भी हम उनका जो चढ़ाने के लिए जो बनाते हैं हम लोग घर में, वो सारा पकवान शुद्ध होना चाहिए। अब शुद्ध कैसे, शुद्ध के लिए घी का होना चाहिए। अब बाजार में घी सब का स्थिति आप देख रहे हैं किस प्रकार है, तो घर का घी हो, खास करके गाय का घी हो तो ज़्यादा बढ़िया, कोशिश करें। दूसरा जो बनाने वाला जो है उसमें भगवान को जो अर्पित करना है वो बिल्कुल चूल्हे पर करें, अगर मिट्टी का नहीं हो तो ईंटा का ही बनाएं। और शुद्ध माना गया आम का लकड़ी का, इसलिए आम का लकड़ी का प्रयोग किया गया, शुद्ध आम की लकड़ी पर ही वो वस्तु को बनाएं। दूसरा यहाँ तक देखिए शुद्धता होता है, जो गेहूं यानी आटे से जो बना रहे हैं आप, वो आटा भी शुद्ध करके पहले धोते हैं फिर सुखाते हैं, और उस समय जो उसका पिसाई करने वाले हैं वो भी शुद्धता का कितना ख्याल रखते हैं, पूरे मशीन को जो है उसको धो देते हैं, शुद्ध कर देते हैं और तब मैंने पीसना शुरू करते हैं, तो वो आटा भी शुद्धता होना चाहिए। और उसका बनाने वाला चूल्हा जो है वो मिट्टी का होना चाहिए या मान लीजिए ईंटा का होना चाहिए या अपना अनुसार, लेकिन सब दिन जो जिसमें आप बनाते हैं उसमें उसका प्रयोग नहीं करें। हाँ, भगवान को चढ़ाने के लिए अर्पित करने के लिए है वो बना लीजिए, उसके बाद शेष जो है मान लीजिए समाज में घर में परिवार में देना चाहते हैं, कुटुंब संबंधी में देना चाहते हैं, बंधु बांधव को देना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं, लेकिन भगवान को अर्पित करने के लिए शुद्ध घी में और शुद्ध चूल्हे पर में जो है चूल्हा पर में ही इसका निर्माण होना चाहिए इसका जो है, तो इस चीज़ का भी शुद्धता रखना चाहिए। तीसरा बात क्या है, इसके बीच में देखते हैं मुंह तक नहीं धोया जाता है, चाहे वो दतुअन हो या ब्रश हो, बिल्कुल बहुत सारे लोगों के मुंह से ये निकलना, लेकिन उसका अन्यथा नहीं लेना चाहिए। वो व्रतधारी हैं, वो साधक हैं, हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है जिस दिन व्रत हो उस दिन मुंह धोए नहीं, तो फिर क्या उपाय करें, अगर मुंह नहीं धोते तो अशुच माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। तो उसमें माना गया है जो 12 बार कुल्ला कर लीजिए मुख धोने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा, सिर्फ 12 कुल्ला यदि कर लेते हैं तो आपके मुख की शुद्धता हो जाएगी। 16 कुल्ला कर लिए मुंह का शुद्धता हो गया, मुंह धोने का भी जरूरत आपको नहीं है। तो अब क्या है, जो उस स्थिति में तेल साबुन वगैरह नहीं लगाएं, उस स्थिति में जैसे बाथरूम वगैरह जाते हैं तो उस पर भी विशेष ध्यान रखें, जो डेली जो यूज करते हैं आप साबुन वगैरह सर्फ वगैरह या हाथ धोने वाला क्लीनर वगैरह जो भी हो उस चीज़ का प्रयोग उसके पीरियड में ना करें। वो सब छोटा छोटा शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, ये छोटी छोटी बात बड़ी मर्मज्ञ है, इस पर विशेष ख्याल रखना चाहिए। अथवा जो शयन कर रहे हैं वो स्थान शुद्ध होना चाहिए, वो बिस्तर सोना होना चाहिए, और दिन की अपेक्षा जो वस्त्र उस पर डालते हैं उस वस्त्र में भी शुद्धता होना चाहिए। यदि दूसरा नहीं है तो उसी को आप धो दीजिए, धोकर सुखा करके फिर उसको जो है ये करना चाहिए। तीसरा, इसमें अन्यथा बातों की चर्चा ना करें, चूँकि व्रती जो है वो साधक होते हैं, उनको जितना आप बातचीत करते हैं जितना उनको ये देते हैं उतना उनका गला सूखता है, उतना उनका एनर्जी का लॉस होता है। आप जानते हैं हमारे शास्त्रों में कहा गया है मौन से बढ़ के कोई औषधि नहीं है,
मौन सबसे बड़ा अस्ति है, मौन रहना यानी चुप रहना। ताकत इसमें नहीं है जब किसी के सामने बहुत ज्यादा बोलते हैं या किसी पर बोल करके अपना प्रभाव दिखाते हैं। ताकत उसमें है जितना आप चुपचाप रहते हैं, जितना जरूरी हो उतना ही बोलें। तो व्रतधारी के साथ भी इस तरह का जो है नहीं करें, ये छोटा छोटा चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा है जब आप लोग जा रहे हैं, जब मान लीजिए डाला उठा के, तो उस स्थिति में रोड वगैरह साफ सुथरा होना चाहिए, उस जगह लोग थूक नहीं फेंकते हैं, पेशाब आदि नहीं कर रहे हैं। तो लोग काफी संयमित रहते हैं, बहुत बहुत पर्व में लोग बहुत सड़क के किनारे अपने घर के बाहर लोग साफ सफाई भी कर देते हैं, बिल्कुल 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 सड़क पे थूकते भी। ये तो देखते हैं सारे लोग जो है रोड को सफाई कर देते हैं, नाना प्रकार के फूल लगा देते हैं, नाना प्रकार का जो है लाइट लगा देते हैं, और श्रद्धा विश्वास का केंद्र उमड़ के आता है। इसके लिए सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे आप लोगों में, आप लोगों को रुचि अभिरुचि लगा रहे, और छठ महापर्व जो है दिग दिगांतर तक अनंत काल तक ऐसे ही प्रकाशित होते रहे, और हमारे आने वाला जो भावी संतान है, हमारे जो वंश जो आएंगे और हमारे जो भी नया जनरेशन आएगा वो सीखे और जाने। ठीक है, धन्यवाद बाबा इतनी सारी जानकारी देने के लिए। कितनी जानकारी आपके लिए लाभदायक है वो तो आप समझेंगे, लेकिन सूर्य की उपासना से जो ऐसा आपने मुकेश भास्कर जी ने बताया आपको कि आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य हो, मानसिक शांति हो, तरक्की हो, इसलिए भी छठ का व्रत करना चाहिए, और इस पूरे कार्यकाल में आपको संयमित भी रहना चाहिए, आसपास भी देखना चाहिए कि शुद्धता बनी रहे, भले ही वहाँ से आप ना कोई छठ व्रती ही क्यों ना गुजरे, उसका ख्याल आपको भी रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी लेकर आऊँगा आपके साथ, जो आपकी आध्यात्मिक जिज्ञासा है उसको पूरा कर सके, या आध्यात्मिक सोच आप में नया से स्फुटित हो और वो आपको तृप्त करे, ऐसी हम खबरें ऐसे वीडियो लेकर जरूर आप तक हाजिर होंगे। शुक्रिया। thefollowup.in Like, share and subscribe www.thefollowup.in